हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ मैपिंग सिंपलीफाइड नाउ वी हैव कम इट हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ मैपिंग एक्सरसाइज नाउ वी हैव कम अप विथ मैपिंग एक्सरसाइज जब कोई एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आपकी बहुत important, आपकी न्यूज में रहती है यहाँ पे यूक्रेन इज न्यूज रिसेंटली बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग आज की वीडियो में हम इसी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को मैपिंग के थ्रू कवर करने वाले हैं या फिर उसके आसपास पास जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपकी जो प्लेसेस हैं वो न्यूज में हैं उनको डिस्कस करेंगे जिससे कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है तो आप आसानी से उनको आप डील कर सके बढ़ते हैं आगे पहली बात हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं एज सेड यूक्रेन रशिया आर इन न्यूज रिसेंटली स्पेशली यूक्रेन आफ्टर जब रशियन इन्वेशन यूक्रेन की तरफ हो चुका है जहाँ पे रशिया ने इम्पॉर्टेंट टू थ्री टेरिटरीज को आपकी टू टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट रिकोगनाइज कर लिया है एंड रशियन आर्मी का काफी ज्यादा प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ चुकी है जिसके बाद यूक्रेन में थोड़ी वॉर टोन आपकी सीनैरियो बढ़ चुकी है यूक्रेन की काफी चीजें हैं जो कि न्यूज में आ गई हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट हम थोड़ा यूक्रेन की जोग्रफी जोग्रफी और इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं टू अंडरस्टैंड दैट आपको सिर्फ ये जानना होगा कि जो आपका यूक्रेन है ये आपके कौन से क्लाइमेट को बिलोंग करता है Now, you just कि Ukraine, जो के पास है, तो अगर क्लाइमेट थोड़ा आपकी को करता है येलो मतलब हो, हो जाती है और समर में वापस हो जाती है, तो यूक्रेन भी ऐसे ही क्लाइमेट को सपोर्ट करता है थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल इफेक्ट भी होता है एंड बिकॉज इट इज नियर द सी आपका विंटर बहुत सारा रीजन तो विंटर फेस करता है और सी की वजह से आपका सी का क्लाइमेट का मॉडरेट इफेक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंस होता है ओवरऑल यूक्रेन की इकोनॉमी अच्छी खासी फ्लॉश हो सकती है अगर वो अपनी क्लाइमेटिक एडवांटेज को यूज करे तो बिकॉज यूक्रेन के पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं अगर देखा जाए तो यूक्रेन के पास जो हम रिसोर्स जब देखते हैं कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज भी इनफ है जैसे यूक्रेन हैज इनफ नेचुरल गैस कोल पेट्रोलियम ग्रेफाइट आयरन और इस तरीके के अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं स्पेशली जो यहाँ के रिवर हैं उनके बेसन में मिलते हैं तो आते हैं और जरा जानते हैं रिवर बेसन के बारे में राइट right. तो वेन यू लाइक जब आप रिवर बेसिन के बारे में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिवर बेसिन में हम देखते हैं कहाँ से पानी आ रहा है और किस एरिया में जाके वो किस ओशन में जाके या फिर किस रिवर बॉडी में या फिर किसी भी ओशन बॉडी में जाके वो फ्लो करता है जैसे इंडिया में हम देखते देखते हैं तो मानते हैं कि हमारी सेवेंटी परसेंट से जो ज्यादा रिवर है वो या तो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल का जो हिस्सा है उसमें अपना ड्रेनेज डालती है या फिर आपके अरेबियन सी में डालती है ऐसे ही यूक्रेन की जो रिवर्स हैं जो सेवन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो दो जगह जाके अपने पानी को मतलब ना छोड़ देती हैं दैट इज सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ब्लैक सी आपका लैंडलॉक्ड है ब्लैक सी आपका लैंड लॉक्ड है तभी जो लेकिन डिस्पाइट दैट इसका जो पानी है वो इतना सॉल्टी नहीं है आपका तो की जो है वो मेंटेन है वो इतना ज्यादा क्या है सॉल्टी नहीं है ब्लैक सी ये सवाल आपका बन सकता है so, इसमें देखा जाए तो यूक्रेन की जो आपकी जो 95% परसेंट रिवर हैं वो दो जगह आपके पानी को ड्रेन करती हैं एक तो आपका ब्लैक सी विच इज राइट बिलो आपका यूक्रेन के बिल्कुल ही नीचे है ये आपका ब्लैक सी हो गया यहाँ पे आपके पानी को ड्रेन करती है और दूसरा हो गया आपका सी ऑफ अजॉप मतलब 95 जो आपके रिवर है या ये यहाँ पे आपका पानी छोड़ देती है बाकी जो रिवर है या तो वो लैंड पे ही कहीं खत्म हो जाती है नहीं तो बाल्टिक सी में बह के चली जाती है और बाल्टिक सी में जाके अपना जो पानी है दे एक्चुअली रिलीज दे वॉटर इन देअ नाउ जो सेवन इंपॉर्टेंट रिवर हैं उनके बारे में जान लेते हैं बिगनिंग विद देसना देशना आपकी सबसे ज्यादा वेस्ट साइड में मिलती है आपकी सॉरी आपकी ईस्ट साइड में मिलती है ईस्ट में मिलेगी आप देखिए देशना आपकी यहां से फ्लो करती है देशना रिवर और आराम से आपकी सी ऑफ या फिर ब्लैक सी की तरफ आ जाती है फिर आपकी आती है नाइपर ये आपके निपर रिवर है निपर इज वेरी फेमस ये आपके नेपर भी यहाँ पे जो रिवर यहाँ से फ्लो करती है निपर इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द यूक्रेन जैसे इंडिया की गंगा हो गई और इनकी जो कैपिटल है कीव के आई ई वी -E एग्जाम में ना गंगा ऑफ इंडिया तो ये आपकी निपर रिवर है जो बहुत फेमस है इस तरीके से फ्लो करती है फिर आपकी आती है निस्तर रिवर निस्तर आप थोड़ा सा और साउथ में ईस्ट में आ जाए तो निस्तर आपके इस तरीके से यहाँ फ्लो करती है ये इसका बेसिन है फिर आपका दान्युब ध्यान रखेगा डैन्यूब द रिवर जो कि जो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की आफ्टर वोल्गा ईस्टर्न यूरोप की आफ्टर वोल्गा रिवर जो रशिया में फ्लो करती है और इससे बहुत फेमस सिटीज यहाँ पे लाइक करती हैं जैसे बूदा हो गया बेलग्राड हो गया जो डैन्यूब है वो यूक्रेन से भी पास करती है एक्चुअली उसके बॉर्डर से रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर से पास करती है और जो यूक्रेन की तीसरा रिवर है मतलब वो एक्चुअली इसी का ही एक्सटेंशन हो जाता है

आपकी हम जो स, बात कर रहे थे साइबेरियन डोनेट्स की साइबेरियन डोनेट्स इज अ वेरी फेमस रिवर इन इंडिया मतलब यूक्रेन और इस रिवर की खास बात क्या है कि इसके बेसिन में आपका कोल और बाकी मिनरल्स आपके मिलते हैं स्पेशली कोल की जो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है दैट इज एंथ्रासाइट आपको पता है सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट होती है उसके बाद आती है विटामिन एंथ्रासाइट जो टाइप ऑफ कोल है वो यहाँ पे मिलता है दैट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ दिस नाउ डोनेट्स रिवर जो आपका बेसिन बनता है इस रीजन को आपको कहते हैं रीजन। रीजन आपका region, जो कि रिसेंटली न्यूज में था वो डोनेट्स रिवर से आता है ये आपका रीजन ध्यान रखेगा नाउ इट इज दीज टू रीजन जिसको रशिया ने रिसेंटली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है

इसके बाद आप एक चीज़ और यहां पे ध्यान रखेंगे कि भी आपके में थी, because हमने और 2015 का जो एग्रीमेंट था वो आपका यही साइन हुआ था जिसकी वजह से ये आपके न्यूज में आ चुकी है चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं और जो नीज, जो आपकी जो आपकी जो जगह थी जो कि न्यूज में आती हैं यूक्रेन में यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है ये भी आपके न्यूज में थी बिकॉज हमने इंडियंस ने जो इंडियंस को इवेकुएट करने की कोशिश की थी वो आपकी नेबरिंग कंट्री से की थी तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन के लैंड बॉर्डर किस किस से मिलते हैं तो एक यहाँ पे आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले तो रशिया इज इट्स नेबर जिसके साथ कंफ्लिक्ट हुआ है फिर आपका बेलरिस का नेबर है पोलैंड भी इसका नेबर है स्लोवाकिया भी इसका नेबर है हंगरी भी इसका नेबर है रोमानिया भी इसका नेबर है अक्सर मालदोवा किसी को दिखता नहीं है मालदोवा भी इसका नेबर है पर ध्यान रखिएगा बल्गेरिया इसका नेबर यहाँ पे हम हाँ नहीं मानेंगे बल्गेरिया इज नॉट इट्स नेबर सो हेयर वी आर रशिया बेलरस पोलैंड स्लोवाकिया हंगरी रोमानिया एंड बाल्दोवा ये आपके कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनको आप याद रखेंगे जो कि ये आपके यूक्रेन के साथ आपकी जो बॉर्डर है वो आपका शेयर करते हैं अब आते हैं ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब के बारे में ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके आसानी से डिस्कस हो सकते हैं एग्जाम में और पूछा जा सकता है बिकॉज इसकी वजह से ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब न्यूज में आ चुके हैं इस इसमें आपको ध्यान रखने रखने के लिए आपको थोड़ा ईस्ट ऑफ ईस्ट से वेस्ट से लेकर पहले तो आपको सी की सीक्वेंस याद करनी होगी सबसे पहले ये आपका यूक्रेन है मैंने बोला था या दो सी आपके हैं सी ऑफ अज़ोव एंड ब्लैक सी सबसे नॉर्थ में और सबसे ईस्ट में आपका आता है सी ऑफ अज़ोव उसके साउथ में और उसके वेस्ट में आएगा, आएगा आपका ब्लैक सी फिर उसके साउथ में और उसके वेस्ट में आएगा आपका सी ऑफ मरमरा और सबसे साउथ वेस्ट में आपका था एगन और आपको पता है यूपीएससी आजकल ऐसे ही घुमा फिरा के सवाल पूछती है कि ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ जरा इनको अरेंज करो तो देखिए नॉर्थ टू साउथ ऑफ करोगे तो अजोब ब्लैक सी मरमरा एंड एगन और अगर आप ईस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ भी करने लगे तो भी यही सिक्वेंस होगा क्योंकि ये थोड़ी जो आपकी लाइन है वह ऐसी बनती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हेयर इज स्ट्रेट स्ट्रेट इज अ वाटर चैनल और बॉडी जो कि दो वॉटर बॉडीज को कनेक्ट करती है जैसे आपका ग्रिब्र स्ट्रेट हो गया यहाँ पे कुछ फेमस स्टेट आपको याद रखने हैं जैसे सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से कनेक्ट वाला कनेक्ट करने वाला स्टेट कौन सा है इट इज कर्स स्टेट कर्स स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है फदर ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करने वाला आपका स्ट्रेट कौन सा है दिस इज बोस्फोरस ये आपका बोस्फोरस स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है इसके बाद सी ऑफ मरमरा को एगनसी से कनेक्ट करने वाला भी एक स्ट्रेट है जिसको आपका डंडेलस स्ट्रेट करके हम कहते हैं जो कि आपको सी ऑफ मरमरा को एगनसी से कनेक्ट करता है एंड दिस इज समथिंग यू विल रिमेंबर सी ऑफ अज़ोब ब्लैक सी ए बी एम ए ठीक है अब ये आपका आप उसको याद कर सकते हैं कि अब माँ घर चले तो ए बी एम ए इस तरीके से आप याद रखेंगे यहाँ पे खास बात आप याद रखेंगे कि ब्लैक सी को जो सराउंड करने वाली कौन कौन सी कंट्री है इसको एक एक्रोनेम से आप याद कर सकते हो ये तो हमारा हो गया ब्लैक सी को जो सराउंड करने वाली जो कंट्रीज हैं, उनको आप एक, एक एक्रोनेम से याद कर सकते हैं दैट इज ग्रेट ब्रू जी आर टी बी आर यू की सबसे अच्छी ब्लैक कॉफी कौन सी होती है ब्लैक सी से ब्लैक कॉफी याद कर लीजिए उसके बाद आप याद कर सकते हैं ग्रेट ब्रू से कि ब्लैक कॉफी अच्छी कौन सी थी? द ग्रेट ब्रू कैसे याद करोगे ये जी से हो गया आपका जॉर्जिया आर से हो गया आपका रशिया टी से हो गया आपका टर्की बी से हो गया आपका यहाँ पे ये यह आपने जो हमने देखा ना बल्गेरिया फिर आपका आर से हो गया रोमानिया एंड यू से हो गया आपका यूक्रेन एंड दिस इज हाउ यूर गोइंग टू रिमेंबर कि ब्लैक सी सराउंडिंग आपकी कंट्रीज कौन कौन सी है ब्लैक सी ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी से ग्रेट ब्रू याद कर लीजिए ये आपकी सिक्स कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को वो करती है बाकी सी ऑफ अजोब ब्लैक सी सी ऑफ मरमरा एंड एगन सी इस सिक्वेंस में आपको याद रखना है क्योंकि आराम से इससे आपका सवाल बन सकता है नाउ विद दिस वी आर डन विद टू देश मैपिंग